अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, हम सब के जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पाकिज़ा चिकन। पाकिज़ा चिकन के लिए चाहिए तेल ली में 1 टेबल स्पून, इसमें इलायची डालेंगे 6 से 7, खरबूजे के बींजे है 2 टीस्पून, लहसुन है 10 से 15 कलियाँ, 2-3 लौंग है, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। बिल्कुल इजी वाला बता रही हूँ आप लोगों को, कम फ्लेम पे करना है इसको। इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज अनियन, इस पे मैं रखी हूँ सॉल्ट, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, ये भी डाल देंगे। ये तरबूज के बीज है, मैं आप लोग स्टार्टिंग में खरबूज देके बोली थी भूले से, ये 1 बिग साइज का टमाटर, छोटे रहे तो 2 ले। अब इसको मैं कम फ्लेम पे रखूंगी 10 मिनट, जब तक चिकन मैरिनेशन होता, कम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। प्याज में कच्चा मज़ा नहीं रहना है, प्याज का पानी सूख जाना है बस। इलायची के साथ टमाटे ये डाले तो स्मेल बहुत अच्छी आती। अब ये चिकन वॉश कर ली मैं, इधर डाल दूंगी चिकन, 1/4 टीस्पून है, देखिए शाजीरा बोलना भूल गई मैं। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 पिंच काली मिर्ची, नमक के ऊपर हल्दी डाली, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर है। अगर आप लोग ऑरेंज फूड कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की। और सिरके में मैं 15-20 मिनट चिकन भिगा दी थी, उसके बाद वॉश करी तो जल्दी गल जाता चिकन। 1 आवर रख देंगे इसको, मैरिनेशन करना ज़रूरी रहता है इसका, रात में भी करके रख सकते हैं आप। टमाटर पूरा मतलब पेस्ट नहीं बनाना है, अब गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद, आपको जितना भी टाइम लगता मैं कितनी देर मैरिनेशन करूंगी बताऊंगी, उसके बाद मिलूंगी। ऑयल ली मैं 2 टेबल स्पून, इसमें दालचीनी डाल दी मैं, अच्छा गर्म हो गया, गैस बंद कर दी। अब ये चिकन डाल देंगे इसमें, पाकिजा चिकन जो बना रहे ना, इसमें छोटे पीस भी कर सकते हैं आप लोग। और बोनलेस भी बना सकते। इसके अंदर मैं इतना पानी ली, अच्छे से मिक्स करना है। फुल फ्लेम पे भून रही हूँ मैं। अब इसमें ऑयल ऑयल जब दिखेगा ना, ये पानी डाल देंगे। इसको अब सिम पे कवर नहीं करूंगी, ऐसे गलने 15 मिनट रख दूंगी, फिर बाद में थर्ड मैरिनेशन जो बताई ना आप लोगों को, मैरिनेशन नहीं जो फ्राई वो करे ना, वो ग्राइंड कर ली मैं, वो बताऊंगी। चिकन पूरा सूख जाना है, गल गया, पूरा ड्राई हो गया, ये 25 मिनट्स रखी मैं, लेग पीस वो सब गल गया। अब गैस बंद कर दूंगी। अब इधर कढ़ाई रखना है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाली, ये जो बताई थी ना मैं आपको, पूरा ग्राइंड करे टमाटे प्याज सब चीज़ है इसके अंदर। ऑयल गर्म है, मीडियम फ्लेम पे है, इसके अंदर मिर्ची वो नहीं डालना है।
अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो डाल सकते हैं, और इसके अंदर ड्राई चिल्लीज भी पीस के डाल सकते, चिली फ्लेक्स ना वो रेडीमेड नहीं तो आप घर में भी पीस के मिला सकते हैं इसमें। और कसूरी मेथी डालते हैं इसमें, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गार्लिक का उसका गार्लिक और इलायची का फ्लेवर कसूरी मेथी डालते छट जाता, तो अगर आप लोगों को पसंद है कसूरी मेथी का फ्लेवर तो डाल सकते। जार में मसाला था ना 1 टेबल स्पून पानी बॉल में डाल के डाल दो, इसको अब सिम पे रख के पकने देना है, ऑयल ऐड 10 मिनट रखूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। इसमें ऑयल छूट रहा है, अब इसके अंदर डाल देना है फ्लेम कम करके, बटर डाल देना है, अमूल बटर है ये। ये हटा लेना है, ये पक गया सो थोड़ा थोड़ा ऑयल आ रहा ना और ये उछलता बहुत मस्त, तो आप समझ जाना इसमें जब उछलना शुरू होगा ना तो ये अच्छे से भुने गया होगा। ये टाइम कलर भी डाल सकते हैं आप डालना चाह रहे हैं, या मैरिनेशन में डाल सकते हैं कलर आपकी मर्जी। ओके इसमें डाल देना है, गैस ऑन है, क्रीम है 3 टीस्पून, अगर आपके ने क्रीम नहीं है तो घर की मलाई को ग्राइंड करके डालिए 2-3 दिन की मलाई। ये टाइम कसूरी मेथी है तो डाल सकते हैं आप लोग। अब यहाँ डालूंगी मैं 2 टीस्पून हरा धनिया रफली कटा हुआ है, बाकी सब चिकन का हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। गैस बंद कर देंगे, पाकिस्तान चिकन बन के तैयार है, रोटी से भी अच्छा दिखता, चावल से भी अच्छा दिखता, कोई पुलाव बनाइए वेजिटेबल पुलाव मटर पुलाव से भी बहुत अच्छा दिखता। लाइक करिए शेयर करिए, डोरा राइस है मेरे चैनल पे, डोरा राइस से बहुत अच्छा दिखता, लाइक शेयर सब्सक्राइब दुआ में याद। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।